चंडीगढ़ समेत देश भर के युवा क्रिकेटर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। अंडर 19 प्लेयर्स अब रणजी ट्रॉफी में भाग ले पाएंगे। यूटी क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मंजूर कर लिया है। यूटीसीए के अध्यक्ष संजय टंडन की ओर से ये मांग बीसीसीआई से की गई थी। बीसीसीआई सचिव जय शाह के समक्ष इन मांगों को रखा गया था, जिस पर बीसीसीआई ने सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद इस मांग को मंजूर कर लिया है। जानकारी देते हुए यूटीसीए के अध्यक्ष संजय टंडन ने कहा कि ये यूटी क्रिकेट एसोसिएशन के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब चंडीगढ़ के खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में खेल सकेंगे और उन्हें पहचान भी मिलेगी। जब हमने ये सफर तय करते हुए हमने बीसीसीआई के अंदर अपने एप्लीकेशन दी, लेकिन उस समय बीसीसीआई ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव बीसीसीआई को चला रहे थे। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था उसके अंदर मैंने अपनी यूटीसीए की तरफ से एप्लीकेशन दी। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन पे संज्ञान लेते हुए उन्होंने बीसीसीआई की जो ऑर्गेनाइजेशन जो इंचार्ज थे, तो उनको हिदायत दी कि आप चंडीगढ़ के इस क्लेम को आप जरा जांच के अपनी रिपोर्ट दें। तो उन्होंने अपनी टीम जो उस समय दो मेंबर टीम आई थी, गायकवाड़ जी आए थे और जो उनके साथ जो जनरल मैनेजर ऑपरेशंस होते थे बीसीसीआई के, एक वो आए थे। उन्होंने यहाँ पे दो दिन सब लोगों के क्लेम्स यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर जो यहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और यहाँ पे जितने प्लेयर्स हैं उनसे सबसे मिलके उन्होंने इस चीज़ की जब रिपोर्ट दी, तो उस रिपोर्ट का आधार बनाते हुए जो सीओए थी, जो ये एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए गए थे सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उन्होंने यूटीसीए को मान्यता दी। 2019 में अगस्त में ये हमें मान्यता मिली और 2019 में ही हमने जो सातों फॉर्मेट्स हैं क्रिकेट के उसके अंदर अपनी टीम्स को भेजा। उसके बाद अब हमारा अगला जो है वो ध्यान बना के चंडीगढ़ के अंदर फैसिलिटीज़ को और डेवलप किया जाए, ताकि चंडीगढ़ के क्रिकेटर्स को आगे बढ़ने का और उभरने का मौका मिल सके। आपको बता दें कि यूटीसीए के इस प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद खुशखबरी तब आई जब शहर के दो युवा खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। टंडन द्वारा की गई इस पहल से देश के सभी 39 क्रिकेट बोर्ड और संघ को लाभ मिलने वाला है। इसके अंतर्गत युवा क्रिकेटर्स न केवल अंडर 19 फॉर्मेट में जोर आजमाइश कर पाएंगे, वहीं रणजी ट्रॉफी में भी अपनी प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन कर पाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।